नमस्कार दोस्तों, फ्री कुंडली में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके कुंडली से रिलेटेड समस्या आप पूछ सकते हो। बात करते हैं मेष राशि फल वालों का, जून का महीना कैसे जाने वाला है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि फल वालों के बिजनेस और वेल्थ के हिसाब से उनका महीना कैसे जाएगा। बिजनेस एंड वेल्थ काफ़ी अच्छा रहने वाला है, मेहनत थोड़ी कमर तोड़ करनी पड़ेगी आपको। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो 3-4 महीना तक लंबा निवेश करें, लंबे अवधि का निवेश करें, काफ़ी फ़ायदा होगा। मिड मंथ में आपका काम डिले हो सकता है, सरकारी टैक्स की तकलीफ आपको आ सकती है। बिजनेस में किसी को उधारी दी हुई है या आपने किसी से उधारी ली हुई है तो उसमें देरी हो सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं तो छोटी छोटी यात्रा करें, काफ़ी फ़ायदा होगा। बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन के हिसाब से, जहां आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वहां आप अपना बिजनेस समझ के मेहनत करें तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कंपटीशन से न जुड़े आप अपना काम करें, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है, जॉब छोड़ने का काम न करें, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आपने जॉब छोड़ दी तो वापस जॉब मिलने के आसार नहीं हैं। वर्कलोड बैंक कंप्यूटर टाइपिंग के काम जो कर रहे हैं उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है, तो थोड़े से सावधान रहें। और अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप और फैमिली पारिवारिक के बारे में, कैसा जाने वाला है उनका यह महीना जून का महीना। देखिए जी, 21 जून से सूर्य ग्रहण के संबंध से लव अफेयर पार्टनर वाइफ के साथ तालमेल थोड़ी बिगड़ सकती है, क्योंकि 21 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है। जल्दबाजी का काम न करें, क्योंकि बना बनाया आपका काम बिगड़ सकता है। मन मुटाव न रखें, क्योंकि मन मुटाव से आपके प्रेम, आपकी पति पत्नी के झगड़े बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल इशू की वजह से फैमिली में थोड़ा तर्क वितर्क हो सकता है। और बात करें उनके शुक्र के कारण आप थोड़े से रोमांटिक नेचर के हो सकते हो। पति पत्नी के रिश्तों में जल्दबाजी न करें, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन के कारण पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ सकता है, थोड़ा सा सावधान रहें। बात करते हैं इनके स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी उनके बारे में। जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम अगर उनका डिले हुआ है तो अब हो सकता है उनका एग्ज़ाम के वो तारीख मिल जाए, इसलिए काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इस महीने आपकी तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी रहेगी। बात करते हैं उनके हेल्थ इश्यू से या एनिमी से। मेष राशि वालों का हेल्थ कैसा रहने वाला है उनके बारे में बताते हैं। गर्मी के कारण थोड़ा सर दर्द रह सकता है, तो समय समय पर पानी पीते रहें। मेहनत से आपका शरीर थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, तो हो सके तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दें। पुरानी बीमारी है तो वो बढ़ सकती है। बात करते हैं इनके उपाय के बारे में। उपाय क्या है, जून में गंगा दशहरा, 1 जून को गंगा दशहरा आ रहा है, उसमें गंगा जी का स्नान करें। कोई नदी तालाब में जाकर गंगा माँ समझकर स्नान करें, काफ़ी फ़ायदा होगा। 2 जून को निर्जला एकादशी है, तो हो सके तो राहगीर को पानी या शरबत जरूर पिलाएं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। 22 जून से गुप्त नवरात्रा शुरू हो रहा है, तो दुर्गा जी को एक मुखी दीपक जरूर जलाएं 9 दिन तक, इससे आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो के नीचे कमेंट करके कुंडली से रिलेटेड समस्या पूछ सकते हो आप। धन्यवाद।